हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त गौरव और एक और नए व्लॉग में करते हैं आपका स्वागत इस खूबसूरत हरी हरी सुबह से। सर ग्रीनरी हो रही है बारिश की वजह से, रोज़ की तरह देख सकते हो आप लोग। और सूरज भी आ गया सही टाइम पे, यहाँ से देख नहीं रहा और मैं आगे नहीं जा रहा वीडियो बना, वो खाएंगे। अभी सुबह सुबह उठ के जल्दी से अपने कपड़े कर रहा हूँ परेश, कपड़े कर लेते हैं परेश। देखो मैंने लगा दिया अपने स्टीम परेश, बिल्कुल बढ़िया। ये सारे कपड़े करेंगे जल्दी स्टीम परेश, ये सब करके और निकल जाएंगे चांदनी चौक। मैं एक तो गाइस नहा धो के रेडी हो चुका था मैं, मंदिर मैंने पूजा कर ली है बढ़िया से, सारे बढ़िया बढ़िया फूल लगाए, ताजे ताजे तोड़ के लाया था। तो अभी बारिश होने के बाद फूल जो काफ़ी अच्छे हो गए हैं तो ये लगा दिए। तो गाइस अभी जल्दी से तैयार होते हैं दोबारा से, दूध है ये पीते हैं जल्दी से। और तो गाइस मैं आ चुका हूँ मोहन नगर, अब यहाँ से पकड़ूंगा गाइस मेट्रो। और सुबह सुबह इतनी भीड़ हो रही है ना, आप लोग दोनों तीनों साइड देख सकते हो, दबा दो भीड़ भीड़ मिलेगी। और बसों के हॉर्नों की आवाज़, क्योंकि मैं तो भाई जॉब करता नहीं हूँ, बट जो लोग जॉब कर रहे हैं ना, मैं उन लोगों का स्ट्रगल देखता हूँ। सुबह उठ रहे हैं, भाग रहे हैं, फिर ड्यूटी से आ रहे हैं, मतलब रात के 9 बजे, अब सुबह 9 बजे निकलेंगे, रात के 9 बजे ये लोग आएंगे। तो यार ये स्ट्रगल देख के लगता है कि अपना ही काम करो, बट इसको कोई अच्छे तरीके से करेंगे, देखो भगवान जैसा चाहेगा। तो गाइस मैं तो पहुँच चुका हूँ प्लेटफॉर्म पर, और पीछे ना मेरे जो पीछे वो पूरा मोहन मेकिंग से आपको दिख रहा होगा, ये पूरी फैक्ट्री है यहाँ पे, ऊपर से अच्छी दिख रही है इसलिए आपको दिखा रहा हूँ। तो फाइनली गाइस मैं पहुंच चुका हूँ चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन, मतलब एग्जिट ले लेते हैं और इसके बाद करते हैं एक्सप्लोर यहाँ का नॉर्मल क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे, जितना होगा उतना एक्सप्लोर करेंगे। गाइस अभी यहाँ पे पूरी मार्केट लगा रहे हैं लोग, जो नॉर्मल पेडलर्स होते हैं ना, मतलब जो स्ट्रीट के साइड में लगाते हैं वो सारी चीज़। भाई देखो मैंने भैया से पूछा, पीछे गार्ड भैया थे, बोले 1500 गाड़ियाँ इसके अंदर ही आ जाती है, इतनी बड़ा उन्होंने बना रखा है। और इसके अंदर सारी चीज़ें आपको मिलेगी, जाऊँगा एक्सप्लोर करके दिखाऊँगा। अभी नॉर्मल देख सकते हैं ये रहा पूरा भाई बना करने, बट काफ़ी अच्छा लग रहा है, धूप यार अच्छी खासी हो रही है, बट गूगल्स लगा रखे तो इससे काफ़ी फ़र्क है भाई। 1500 पार्किंग मैंने रखता है, देखो इस तरीके का व्यू आ रहा है मेरे पीछे बैक साइड में। दोनों काले घोड़े की नाल देते हैं, देखो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, एक साथ ये उन्होंने ब्लैक हॉर्स रखा है, इसकी नाल देते हैं भैया। ये नाल बेचते हैं ना घोड़े की, नाल दे देते देख रहे हो, बेचते भाई ये लोग काले घोड़े की नाल। आने का ये फायदा है, आप मार्केट ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाओगे और भीड़ से बचे रहोगे, क्योंकि यार कभी कभी लगता है फोन ना छिड़के भागे, से पीछे में देखता रहता हूँ, वैसे जो होना आप बच नहीं सकते लोकल मार्केट की, जिस तरीके से देखो भाई पूरी पुरानी दिल्ली है, फील भी आपको पुरानी दिल्ली की फील आने वाली है। देखो कचौड़ी वाले हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ये फुहारा चौक है, इसको फुहारा चौक बोलते हैं गाइस, पूरा ये सामने गुरुद्वारा है, फिर आपको मस्जिद मिलेगी, सारी चीज़ें पहले से बहुत बेटर कर दिया गया है। आजकल 9 बजे के बाद तो यहाँ पे ना कारें भी नहीं आती, पहले कारें आ जाया करती थी, अब पूरी चीज़ खाली कर दिया, अब आराम से वॉक कर सकते हो, रिक्शे चलते हैं अब यहाँ पे। ये देखो पहले आप यहाँ पे ना पैदल चलने में बड़ी सर्दी होती थी, बट आप सामने बिल्कुल सामने रेड फोर्ट है और ये बिल्कुल बीच में जो भी है ना भाई, ये रिक्शे हैं, आप यहाँ से हेल्प लेके घूम सकते हैं। सर आप पैदल आप इजिली वॉकेबल है, घूम सकते हैं। ये गुरुद्वारा, मैं अंदर नहीं जा रहा, सीजन गुरुद्वारा है, ये मस्जिद है, सभी चीज़ें हैं। आगे चलेंगे तो गौरी शंकर टेम्पल है, मैंने पहले एक्सप्लोर करा हुआ वीडियो में, काफ़ी सारी चीज़ें हैं भाई, इस तरीके का है पूरा सिटी पुराना, और बहुत सारी इसमें दुकानें हैं, उसमें आपको साड़ियाँ मिल सकती है, फॉरनर्स जा रहे हैं देख सकते हो आप लोग, बुरे लोग भाई बहुत सारे लोग घूम रहे हैं, देखो इस तरीके से, ये देखो भाई लाइन से ही आ रहे हैं, लग रहा है पूरे ग्रुप आया होगा इसलिए लोग आ रहे हैं। ये देखो हेलो सर, ये भाई व्लॉगिंग कर रहे हैं गोप्रो लेके, भाई बहुत सारे फॉरनर है, मैं देख के हैरान हो गया। देखो एक और आ रहा है, अभी इनसे कुछ बोलते हैं। हाय सर आर यू मेकिंग वीडियो, देखा वो भी भाई कुछ इस तरीके मार्केट है। तो दोस्तों यार हर जगह तो काफी धूप वूप हो रही है, तो मैं सोच रहा हूँ इस मॉल को एक्सप्लोर करते हैं आज बढ़िया से। ओमैक्स मॉल है ना, पता नहीं ओमैक्स है या ओमैक्स ही है, क्योंकि इसके नाम के पीछे ना ओमैक्स के आगे ई और लगा दिया इन लोगों ने, तो ओमैक्स ही आ रहा है। तो अब चलते से एक्सप्लोर करते हैं, काफ़ी बड़ा लग रहा है दिखने में तो, और मेन है भीड़ भाड़ बिल्कुल नहीं है, जो तो वीकेंड पे काफ़ी भीड़ होती होगी, बट अभी तो सही है यहाँ पे, अभी देखते हैं कहाँ से एंट्री होगी। तो गाइस मैं तो इसके अंदर पहुँच चुका हूँ, और ये देखो वेलकम बना रखा है इन्होंने यहाँ पे, कोस्टा कॉफ़ी भाई देख रहे हो कॉफ़ी, इतने में तो घर पे चला जाऊंगा पर पैसे ही बच जाएंगे भाई। ऊपर की फोर सीलिंग देखो कैसे बना रखा है, थीम देखो आप,
पूरे मॉल की और फुली एसी हो रहा है। तो गर्मी जो लग रही थी ना बाहर वो बिल्कुल सही हो चुकी है, गर्मी है ही नहीं अब। काफ़ी बड़ा बनाया है, मतलब काफ़ी फ्लोर है, मैं तो जितना होगा स्कोर करूँगा। यहाँ पर गाड़ी खड़ी है, पंच ईवी खड़ी है, देखो यहाँ पे देखो ये खड़ी भाई। इन्होंने इस तरीके से बनाया, फ्लोर को दे रखा है, देखो स्टारबक्स, स्टारबक्स की कॉफ़ी काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। इन्होंने जितनी भी रो है ना उसको दे रखा है गली, जैसे गली 3 गली 6, क्योंकि पूरा दिल्ली वाला थीम दे रखा है। देखो इस तरीके से बना रहा, देखा चांदनी चौक, चांदनी चौक ओमैक्स चौक, ओमैक्स चौक। तो ये यार घूमने के लिए अगर आपको शॉपिंग करनी है तो और बढ़िया, मुझे कोई शॉपिंग तो करनी नहीं है भाई। देखो कुछ इस तरीके से बना रखा है चारों साइड से, चारों एंगलों से आप फोटो ले सकते हो। बट यार मेरे को वीडियो बनाने में भी ना देखना पड़ेगा कि कोई अब बीच में आता हूँ जैसे कार में लोग ऑब्जेक्शन करें, देखो जो लुक आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, तो बढ़िया लग रहा है ना यार अच्छे से। चलो भाई आप चलते हो ऊपर, ग्राउंड फ्लोर तो मैंने एक्सप्लोर कर ही दिया आपको, दिखा हीलियस इन्होंने लिखा हुआ है, बट हीलियस के तो मैं केमिकल्स यूज़ करता हूँ शूज़ में, वो तो नहीं है ऐसे। वॉचेस के ब्रांड होगा कोई, ये देखो पूरा वॉचेस का ब्रांड होगा ये, इसलिए बना हुआ है जिस तरीके से आएगा ये पूरा काफ़ी ज़्यादा। और भाई जो लिफ्ट वगैरह आप यूज़ करोगे ना इनकी, तो लिफ्ट के अंदर जो थीम आ रही है देखो पूरा दिल्ली वाला लुक दे रखा है। ये आपका रेड फोर्ट हो गया चांदनी चौक का, इसको ओल्ड पहले ऐसा दिखता था ऐसे बना रखा है इन लोगों ने, और अभी लेटेस्टली ऐसा दिखता है हमें करंटली। और ये देखो लैम्प वैम्प लगा रखे हैं, जो लिफ्ट का लुक है वो काफ़ी इस तरीके से है भाई। शीशा आप लोग देख सकते हो, शीशे में तुम्हारा भाई दिख रहा होगा, फ्लैश लाइट ऑन है, बट काफ़ी अच्छा फील हो रहा है ना। मैं अकेले ही आज ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, कोई मेरे साथ में मेरा फ्रेंड वगैरह तो आया ही नहीं, अकेले भी करने में कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, क्योंकि यार डर निकालना ही आपको पड़ेगा। ये देखो बस अकेले में डर रहता है कि फ़ोन छीन के ना भाग जाए, ऐसा होता नहीं है, बट कभी भी बुरा दिन आ सकता है, तो इसलिए मैं अपने आप को जहाँ पे सेफ समझता हूँ भाई ब्लॉगिंग करता हूँ, बाकी मैं ज़्यादा नहीं करता क्योंकि ऐसा हो जाता है। बीच ही गैलरी में खड़ा हो गया और यहाँ से इसका जो लुक आ रहा है वो कुछ इस तरीके का लुक आ रहा है, आप लोग देख सकते हो। और ये पूरा जो मैंने नीचे से लिया है वो ऊपर से ले रहा हूँ, ऑलमोस्ट 1 2 3 भाई 3 फ्लोर मुझे दिख रहे हैं भाई, मुझे पता नहीं कितने हुए। तो गाइस जिस चीज़ का इंतज़ार था मैं आपको बताना चाह रहा था कि किस तरीके का मॉल दिखता है ये ऊपर से, मतलब मैंने किसी व्लॉगर को देखा था जब वो न्यू लॉन्च हुआ ना मॉल, तो वो आए थे, तो ऊपर से जिसकी लुक आ रही है देखो वैसी आ रही है, मतलब ओल्ड स्टाइल, मतलब रेट्रो स्टाइल उन्होंने बना रखा है। इसकी बालकोनी भी देखो आपको इस तरीके से दिखने वाली है, और ये जो लुक है ना देखो ये इन्होंने ऐसे उससे बना रखा है, कार्डबोर्ड से बना के इस तरीके से लगा रखा है, ये लक्कड़ पे काम करा हुआ है पूरा वुडन पे, देखो इस तरीके से वॉल्स आ रही है। और जो लुक है वो पुराने तरीके का बना रखा है, देखो यहाँ भी गेट्स ऐसे दिखेंगे आपको, इस तरीके से फील आएगी। और जो इन्होंने पूरा बना रखा है ना कैफेटेरिया, जहाँ पे अलग अलग तरीके के आपको आउटलेट्स मिलेगी, KFC खाना है, कुछ कुछ खाना है, तो वो खाने के एरिए में आपको यहाँ बैठने का एरिया मिलेगा जिस तरीके से देख सकते हो, इस तरीके थीम दे रखे थे। और भाई जो मेरे को ऊपर लाइटिंग लग रही है ना बहुत अच्छी लग रही है दिखने में, रात में तो और अच्छा लगता होगा, भाई सुबह के 10:30 करीब बढ़े, और देखो बीच में कैंडल लगाई भी अच्छा लग रहा है यार। इन लोगों ने पता क्या करा हुआ है, देखो क्या करा हुआ है इन लोगों ने, रिज़र्व कर दिया इसे खातिरदारी के लिए, रिज़र्व कर रखा है इन लोगों ने ये जो एरिया है। ये आपको मैं जूम करके दिखा दूंगा, यहाँ से मैं पास जा नहीं पा रहा, इन्होंने पूरे ना ओल्ड स्टाइल गेट लगा रखे हैं, जो पूरी थीम है आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे अलग अलग आपको गेट्स दिखेंगे विंडो दिखेंगे, मैं उसके पास तक नहीं जा पा रहा, इन्होंने रिजर्व कर दिया भाई, क्या करें पैसा कमाने के लिए ये लोग ऐसे करते हैं। ये देखो यहाँ पे आपको अलग दिखेंगे गेट्स, सारी आपको दिखेंगे ये अलग ये गेट्स, पूरे एक फ्रेम में बना रखे हैं इन्होंने, बाकी चीज़ें रिजर्व नहीं कर सकते ना ये भाई, इसमें कर दिया भाई। वो रिक्शा लगा रखा है इन लोगों ने, और स्ट्रीट भी देखो नीचे की फ्लोरिंग देखो आप, जैसे आप नॉर्मल चलते हो ना बाजारों में टाइल लगा रखी है, देखो इन्होंने पीछे फुहारा लगा रखा है, नॉर्मली फाउंटेन लगा रखा है, और ये स्ट्रीट भी इस तरीके से बना रखी है कि जैसे कि आप वॉक कर रहे हो नॉर्मल किलो विलो में। और देखो ऊपर से इसमें वो दे रखा है, मतलब मैं कोई पता नहीं से क्या बोलते हैं, नॉर्मल इन्होंने शीट लगा रखी है फाइबर की, तो ऐसे ही होगा इसमें लाइट जल रही है या डायरेक्टली ऊपर से वेंटिलेशन आ रहा है, और पूरा ओल्ड है, मतलब आपको ऐसा लुक आएगा कि आप ओपन एरिया में घूम रहे हो, बट ये ओपन एरिया नहीं है गाइस, काफ़ी दिखने में सही लग रहा है। अब कभी भी आओ यार, आओ ज़रूर, और काफ़ी बड़ा है, और आपको जो चीज़ें खानी वानी है काफ़ी चीज़ें खा सकते हो, कोई ऐसा वो नहीं है भाई। अब मैं पता है उस जगह से लेफ्ट हैंड साइड पर आया, थोड़ा सा और घूम रहा हूँ ना, उसी फ्लोर पर एक्सप्लोर करोगे ना तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे,
और वहाँ पे ग्रीन ग्रीन लाइटिंग दिखेगी भाई, पीछे और बढ़िया लग रहा है। और वहाँ पे ब्लू लाइट्स है, वहाँ पे हल्दीराम वाले बैठे हुए हैं, और ये पता नहीं किस चीज़ के लिए बना रखा है लाइम वोटर। अभी यहाँ की आपको थोड़ा सा टूर करके दिखा रहा हूँ भाई, वहाँ तो थीम ही अलग है, दिखने में अच्छी लगी, नीचे जाके दिखाना पड़ेगा लग रहा है। वो यहाँ की थीम आपको पूरी ग्रीन थीम दिखने वाली है, पूरी ग्रीन ग्रीन थीम भाई सब। भाई ये देखो इसी फ्लोर पे लोग तो बढ़िया बना रखा है इन्होंने भाई साहब। भाई लग रहा है ये ना नीचे से और अच्छा दिखता, बट यार मैं नीचे अब दोबारा जाना पड़ेगा। इस तरीके देखो बना रखा है इन्होंने, आप लोग देख सकते हो। तो ये भी लुक काफ़ी अच्छा है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा घूमने में। और भाई मैंने फुली एसी, आपको बिल्कुल पसीना नहीं आ सकता। अगर आप गर्मी में आ रहे हो ना घूमने सीपी सॉरी चांदनी चौक, तो आप यहाँ पे आओ बैठो, कोई पूछता ही नहीं है क्यों बैठे हो क्यों नहीं बैठे, रिलैक्स करो आराम से, उससे कोई मतलब नहीं है बिल्कुल। जैसे देखो इन लोगों ने यहाँ लिख रखा है दावतपुर, दावतपुर सिटी ऑफ फूड। तो छोटी छोटी जगहों इन्होंने ऐसे बना रखे, नाम दे रखा है इस पूरे मॉल में, जो छोटे छोटे कॉर्नर्स हैं खाने के, वहाँ पे ऐसे मॉल नेम दिया गया है। भाई देखो ये वाला गेट आपको दिखा देता हूँ, ये जो लिफ्ट है ना देखो कैसे डिज़ाइन दिया रेट्रो, जैसे पुराने टाइम का डिज़ाइन होता है ऐसे लिफ्ट का डिज़ाइन दे रखा है यहाँ पे। और यहाँ पे कुछ इस तरीके का देखो दिखने में आएगा, ये ऊपर आप देखो वुडन वर्क हो रखा है, और यहाँ पे देखो ईंटें ऐसी लग रही है कि ये पुरानी ईंटें हैं, बट भाई देखो इस तरीके टेक्चर दिया गया है। पर ये ना मतलब ये असली में ईंटों पर ही काम करा गया है, मैंने फील करके देख रहा हूँ फिंगर से, ये असली में ईंटें ही है, ये फाइबर नहीं है गाइस, और ये वुडन है असली में। तो देखो कितना बढ़िया काम हो रखा है गाइस, भाई देखो भाई ये है देखो। अब इंडिया इंडिया नहीं रहा, इंडिया इज़ गोना बी अ चेंज, इंडिया भाई बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है, और उस चेंज को हम देख रहे हैं, हम इस टाइम में हैं, उस चीज़ को फील कर सकते हैं। जो भी लोग 90s के हैं या 2000 के, वो लोग आके देखो तो इंडिया में बहुत चेंजेस आए हैं, मैंने नीट एंड क्लीन होता जा रहा है, लोग नहीं है जब भी वर्कर काम कर रहे हैं देखो आप लोग। तो अब इंडिया पहले जैसा नहीं रहा, चेंज हो रहा है देखो, पूरा बना रखा है इन्होंने। ये देखो खुरेशी बना रखा कबाब कॉर्नर, अभी तो इसमें कुछ कबाब नहीं मिल रहे, बट मुझे लगता है बहुत जल्दी ओपन होने वाला होगा या वीकेंड को ओपन होता होगा, इस तरीके से बना रखा है। और ऊपर की फोर सीलिंग देखो भाई, प्रॉपरली गार्डर डाला गया है दिखाने के लिए, गार्डर डाल के इसमें एसी वेंट्स दे रखे हैं, पर वो पता नहीं चल रहे हैं, पुराने टाइम के बना रखे हैं जैसे पहले घर होते थे ना वैसे बना रखा है। और देखो पहले टाइम जैसे लाइटें लगा रखी है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, रेट्रो ओल्ड स्टाइल फील आ रहा है गाइज। अगर आप अब यहाँ पे आते हो और आप अपने यहाँ पे कार खड़ी करते हो तो कोई इशू नहीं होने वाला, बहुत बड़ी पार्किंग है भाई, वो भी दो फ्लोर पार्किंग के हैं, और इवन उसके साथ आपको रैंप मिलता है जिस पर आप अपनी कार खड़ी करके वो गाड़ी ऊपर चली जाती है। देखो अभी दिखानी मतलब अभी इतनी ज़्यादा पार्किंग फुल नहीं है ना, खाली पड़ी है, बढ़िया देखो पूरा रैम्प है, इसमें आपकी कार आएगी और ये ऊपर चली जाती है, शायद से कुछ ऐसा ही कुछ है, मतलब मल्टी लेवल है, तो गाड़ी एक ऊपर चली जाएगी एक इसके नीचे खड़ी हो जाएगी, इन्होंने कुछ इस तरीके से बना रखा है। फाइनली यहाँ से एक्सप्लोर मैंने कर लिया, यहाँ से आ चुके हैं बाहर, अब भाई चलते हैं घर की तरफ। भाई एक्चुअली पता है बाहर ना और एक्सप्लोर करता रेड फोर्ट, बट कोई फ़ायदा नहीं था उसे एक्सप्लोर करके, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तबीयत ख़राब होने के चांसेस हैं, कभी फिर कभी आएंगे फिर एक्सप्लोर करके जाएंगे। उन्होंने नाम दे रखा है दावतपुर सिटी ऑफ फूड, जो मैं ऊपर गया था एक्सप्लोर करने, वहाँ पर सारी चीज़ें देखो मिलेंगी आपको। अभी कुछ ब्रांड्स आ चुके हैं, कुछ इसके अंदर आने बाकी हैं, ये देखो ये सारे आपको इसके अंदर मिलेंगे, अलग अलग देखो दे रखा है इन्होंने पूरा, इसमें वो मैं आपको दिखाता हूँ, स्केच बना रखा है इन लोगों ने किसी ने, ये देख सकते हो पूरा एक्सप्लोर कर रखा है भाई। पहले टाइम पे ऐसे ऐसे होया करता था, मतलब कितना चेंजेस आ चुका है हमारे अंदर। ये देखो गाइस मैंने अंदर क्या देखा, मैंने देखा कि अगर आप अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे आते हो तो मॉल में एक तो भीड़ कम है, अगर आपको भीड़ भाड़ कम पसंद है तो आप यहाँ इजिली आ सकते हो, ऑलमोस्ट खाने पीने की आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। कुछ ब्रांड्स अभी आना बाकी है, बाकी जो दिखने में कुछ इस तरीके से बनाया है ये काफ़ी अच्छा बनाया है, मैं फिर बोल रहा हूँ इंडिया चेंज हो रहा है। और बाहर देखो बैठने का भी बढ़िया है, तो बिल्कुल खाली जगह, पीस ऑफ माइंड, और पूरी स्ट्रीट एक्सप्लोर करो, आने वाले कुछ साल क्या कुछ महीनों में इसमें भीड़ भी हो जाएगी। और यार मैं बोलूँ ना साफ़ सफाई भी तो बहुत बढ़िया, बाद में मेंटेन हो या ना हो, वैसे मेंटेन तो रहेगा ही, क्योंकि भाई जो चीज़ पैसे मिलेगा तो मेंटेन भी रहेगा। और जो व्यू आ रहा है ना कुछ इस तरीके से आ रहा है, एक तरफ पुरानी दिल्ली है, तो ये भी पुरानी दिल्ली का हिस्सा उसी में बना हुआ है, बट जमीन आसमान का फ़र्क आपको फील होगा उधर में और इधर में, समझ रहे हो। तो भाई चलते हैं मेट्रो पकड़ते, चलते हैं घर की तरफ,
आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। व्लॉग अच्छा लगा चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब।